यहाँ पर लोग खुद को कीचड़ में लपेट लपेट कर होली खेल रहे हैं, एक दूसरे पर जो होता है कीचड़ मार रहे हैं। ये देखो काफी सारे लड़के हैं यहाँ पर। गंगा नदी का ये है नज़ारा, और नहाने के बाद कीचड़ में, उसके बाद लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, तो ऐसा कभी देखा है? ये देखो इस तरह से लोग घूम रहे हैं नंगे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो सबसे पहले जो होता है मोम को गुलाल लगा देता हूँ। हैप्पी होली। सो अपने भाई को भी गुलाल लगा देता हूँ गाल पर भी। भाई आज हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन स्पिरिचुअली वो कहीं ना कहीं से हमें देख रहा है। ये मेरे पापा है, तो पापा का भी काफी अच्छा होली खेलते थे, तो हम लोग मिस कर रहे हैं पापा को और भाई को आज के दिन। तो अपनी बाइक है, इसको भी थोड़ा सा गुलाल लगा देते हैं, स्वास्तिक बना रहा हूँ मैं। भाई ये देखो यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी हो गई क्योंकि यहाँ पर माउंट लगा हुआ है गोप्रो वाला। आप सबको मेरी ओर से हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे घर में होली स्पेशल क्या क्या बना है। ये है अपना शाही आलू दम, यह मटर की कचौड़ी, मालपुआ, शाही टुकड़ा, और ये देखो मोम यहाँ पर अभी भी सामने लगी हुई है। ये चल रही है मोम की कुकिंग। यहाँ पर बनाया जा रहा है मालपुआ और इस साइड बन रही है मटर की कचौड़ी। और यहाँ पर चल रही है चाशनी को रखने की तैयारी। माँ हैप्पी होली बोलो। कलर वलर सब कुछ खेला जा चुका है, कपड़ों पे कलर। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर का क्या नजर है। सो गाइज आ गया हूँ मैं अपने घर के बाहर, और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना एक न्यू मोटो ब्लॉग जो कि है होली स्पेशल। तो ब्लॉग तो आपने काफ़ी देखा होगा, होली स्पेशल ब्लॉग भी देखा होगा, लेकिन नॉर्मली लोग अपने खुद में घर में खेलते हुए होली की वीडियो बनाते हैं, लेकिन काफ़ी कम वीडियो होंगे जो आपको सड़क का, ये देखो यहाँ पर कितने पुलिस का इंतज़ाम है। तो काफ़ी कम वीडियो आपने देखा होगा जो लोग बाहर जाते हैं और वहाँ की ट्रैवल का बनाते हैं कि होली के दिन सड़क का क्या नज़ारा है। तो मैं अपने लोकेलिटी के रूट पर आया हुआ हूँ, तो देख सकते हो सारी दुकानें एक लाइन से जो हैं बंद हैं। देख लो एक भी दुकान खुली हुई नहीं मिलेगी। होली का दिन है और मैक्सिमम सारे धर्म के लोग होली मनाते हैं, तो कुछ ही जो लड़के हैं लड़कों की टोली है वो आपको रंग खेलते रोड पे दिख जाएगी, लड़कियां तो काफ़ी कम दिखेंगी, और फैमिलीज जो है वो भी घर में ही रहती हैं ज़्यादातर। तो सारी दुकानें बंद हैं, तो काफ़ी सारे लड़के जो हैं यहाँ पर शर्टलेस शर्ट फटता है यहाँ पर पटना में। अगर आपने होली खेली होगी तो अच्छे कपड़े पहन कर निकलने की सोचोगे मत, क्योंकि यहाँ पर शर्ट पैंट सब फटता है, और लोग कीचड़ से भी होली खेलते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूँगा आज जहाँ पर लोग कीचड़ से क्या गोबर से भी खेलते हैं होली। तो गोबर से शायद आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो, लेकिन कीचड़ जहाँ पर लोग खेलते हैं वहाँ पर तो मैं आपको लेकर चलूँगा आज। और इन सब में खतरा होता है कि अगर कोई गोबर से होली खेल रहा है तो वो आपको भी लगा देगा, इसलिए वहाँ पर जाने से मैं बचता भी हूँ। लेकिन ये सब करना नहीं चाहिए गोबर से। आपने वीडियो में भी देखा होगा कुछ लोग नाले के पानी से भी यूज़ करते हैं होली खेलना, वो भी मैंने देखा हुआ है। मैंने खेला नहीं है, मैं कभी इंटरेस्टेड हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन मैंने देखा हुआ है। तो देख सकते हो रोड पे क्या सन्नाटा है। आपको मैं एक नॉर्मल डे यहाँ पर लेकर आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा सॉरी, और आप कंपेयर करना उस वीडियो से इस वीडियो का। मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है कि आप एक घंटे की जो जर्नी होती है आप उसको दो से तीन घंटे में करोगे, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ये देखो लोग किस तरह नंगे।
ये देखो नंगे लोगों की टोली। सो गाइस आज के दिन किसी के मुंह नहीं लगने का है बिल्कुल, क्योंकि बिहार में तो कहते हैं शराबबंदी है, कितने सारे लड़के इधर तो कहते हैं कि शराबबंदी है लेकिन शराब लोग पी रहे हैं। तो अगर आप किसी से बात करते हो तो वो बात बढ़ जाएगी और हो सकता है झगड़ा। तो ज़रूरत यही है कि आप किसी से मुँह ही मत लगो। अगर आप किसी को जानते हो तो बाइक रोक कर बात करो, वरना आप अपना ट्रैवल कंटिन्यू करो। सब लोगों की नज़र मेरे ऊपर है इधर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो देखा आपने इन लोगों ने पिया हुआ था, ये देखो काफ़ी स्मेल आ रही है इन लोगों से दारू की। और बाई चांस मेरी बाइक बंद हो गई थी वहाँ पर, तो मेरा फ्रेंड पीछे बैठा हुआ है वो काफ़ी डर गया था जब बाइक बंद हुई तो, तीन लोग पकड़ ले गए, मोबाइल छीन ले गए। तो ऐसा भी होता है यहाँ पर। अब तो कम हो गया है लेकिन पहले काफ़ी होता था। अगर आप डर गए समझो मर गए, इसलिए अगर आपको सेफ रहना है, सिक्योर रहना है तो थोड़ा डेयरिंग बनना पड़ेगा, क्योंकि डरने से कुछ होने वाला नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक रहती है लेकिन आज के दिन देखो क्या नज़ारा है। कुछ दुकानें खुली हुई तो हैं जो ज़रूरत की चीज़ें बेच रहे हैं, शायद कलर बेच रहे हैं, चिप्स बिस्किट्स ये सब, जैसे काफ़ी लोग आज के दिन दूध और ये सब ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, दूध पनीर के आइटम्स, इसलिए वो सारी दुकानें भी खुली हुई हैं। जो कुछ लड़कियाँ भी हैं तो इस बार तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि होली 25 को है या 26 को, यानी कि मंडे को है या ट्यूसडे को है। काफ़ी सारे लोग 25 को मना भी चुके, कुछ मेरे सोसाइटी में मैंने देखा कि कुछ लोग 25 को ही होली खेल लिए, कुछ नहीं काफ़ी लोगों ने। तो इसके पीछे मुझे रीज़न ये लगता है कि 25 यानी कि मंडे के दिन पड़ रहा था, तो मंडे के दिन लोग क्योंकि अच्छा खाना बनाना ये सब नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि 25 को उन लोगों ने होली खेल लिया कि 25 को ये खा सकेंगे। अगला दिन जो होता है ट्यूसडे हनुमान जी का दिन होता है, तो इस दिन लोग खाने से बचते हैं ये सारा कुछ। तो मुझे तो ये रीज़न लगता है क्योंकि मैंने देखा जहाँ भी तो 26, अपने आप कैलेंडर में भी देखोगे तो 26 की डेट को होली दिखाते हैं, तो काफ़ी सारे 25 को कैसे मना लिया। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो ऐसा मैंने बताया, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ 25 का होली था या 26 को? ये देखो यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये देखो रोड का ये नज़ारा, ये काफ़ी बिजी रोड है। मैं कभी आम दिन यहाँ पर एक वीडियो बनाऊँगा तो आप नोटिस करना। ये देखो क्रिकेट चल रही है इधर, तो देखा ऐसा नज़ारा, काफ़ी बिजी वाले रोड पर लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है आम दिन, क्योंकि ये जो है मंडी है, होलसेलर मंडी, आप समझ सकते हो कि कहीं पर भी रहे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो ये होलसेल मंडी है। देखो किस तरह से लड़के देख रहे थे, आज नॉर्मली सबके कपड़े फटे हुए हैं। देखो जहाँ से भी देखो, बाइक पर भी देखो या कहीं पर भी देखो, लोग नंगे ही बाइक चला रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने शौक नहीं पाला हुआ है नंगे चलने का। इन लोगों के कपड़े फट चुके हैं, ये देखो इधर देखो सब नंगे आपको मिलेंगे आज। ये देखो ट्रिपल लोडिंग थे, ये देखो यहाँ पर कचौड़ियाँ तली जा रही है, छानी जा रही है, सॉरी ये पटनदेवी का रास्ता है, यहाँ से मैंने टर्न ले लिया है, तो यहाँ पर भी कपड़े फटे हुए हैं सबके। कपड़े फटे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्केर्ड हूँ कपड़े फटने का, इतनी किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरी बाइक रोक के जो है कपड़े फट दे। मेरे को कार आ रही है, पतली सी गली है और उसमें भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो बड़ी पटन देवी का है ये एरिया। काफ़ी बार मैं यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ जैसा कि मैंने बताया, तो एक बार और आप चल सको क्योंकि ये मेरे डेली रूटीन में आता है यार, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहीं से आना जाना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे लिए शॉर्टकट है ये।
तो आपको देखना पड़ता है, और देखना भी काफ़ी शुभ है क्योंकि आप भगवान के दर्शन कर रहे हो। बाहर से ही आप दर्शन कर लो, ये देखो ये मंदिर है सामने। तो लेट्स गो। एक लोग होली खेल रहे हैं और ये मिल गया एक पहचान का बंदा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो मिल ही लेते हैं बेचारे से, वो पीछे आ रहा है। तो इसको मैं अपना फ्रेंड, अपना सब्सक्राइबर भी कह सकता हूँ, काफ़ी अच्छा है। जब भी मैं आता हूँ तो ज़रूर मिलता हूँ इससे। बट आज के दिन जो नहीं करना चाहिए उसने भी थोड़ा सा किया हुआ, यानी कि ड्रिंक। तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एंजॉय करने के लिए, उतना कि ड्रिंक करने के लिए होते हैं। आप क्या कहते हो इस बारे में? तो एक टाइम तो मैं होली के दिन निकलता नहीं था, बट अब मैं होली खेलता नहीं क्योंकि अपने घर में, जैसा कि मैंने बताया कि दो लोग नहीं रहे, तो होली खेलने का मन ही नहीं होता है। खेलूँ तो क्या खेलूँ और किसके साथ खेलूँ, तो इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। तो बाहर जो कैप्चर कर रहा हूँ वो आप देख सकते हो। सो गाइस, मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ पर लोग कीचड़ से होली खेलते हैं। ये देखो नंगे नंगे लड़के दिख रहे हैं आपको, ये सारे खेलने जा रहे हैं कीचड़ की होली। ये देखो यहाँ पर खेल के आ रहे हैं, यहाँ पर हर कोई आपको नंगा ही दिखेगा इस तरह, और नंगा है नहीं एक्चुअली, टी शर्ट शर्ट फट जाती है। तो इन लोग के कपड़े फार होली होती है इस तरह की। तो अगर आपको डर लगता है तो आप यहाँ पे आने से बचो क्योंकि आपके भी कपड़े फट सकते हैं। तो ये है पटना सिटी का एरिया। तो आओ चलते हैं नीचे, और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो दिखने लगी है। काफ़ी सारे, मतलब सैकड़ों लड़के हैं यहाँ पर। और ये गंगा नदी का नज़ारा काफ़ी अद्भुत, काफ़ी अमेजिंग व्यू आता है। मेरा फेवरेट प्लेस है ये। तो कितने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा नदी स्नान। और ये जो है नज़ारा, ये देख लो हमारे राइट में, ये देखो। तो यहाँ पर चल रही है कीचड़ की होली, देखो सब मिट्टी के कलर के हो गए हैं, और नहा करके, सॉरी कीचड़ में लपेट के खुद को यहाँ पर नहा रहे हैं, या फिर वैसे ही चले जा रहे हैं जैसे ये लड़के लोग जा रहे हैं। देखो तो थोड़ा मैं भी यहाँ पर सोचा कि मैं कुछ रील बना लूँ अपना। तो आप लोग देखो ये चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो ये देखो काफ़ी सारे लड़के हैं यहाँ पर, और किस तरह से अपने आप को लपेट रहे हैं, देखो एक दूसरे पर मिट्टी के गोले मार रहे हैं। तो देखिए कभी ऐसी होली नहीं देखिए, तो आ जाओ और पटना में आपका भी स्वागत है, और इस तरह की होली आप भी खेलो। और सामने काफ़ी पवित्र गंगा नदी है, यहाँ पर नहाने से आपके सारे पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं। इन लोगों ने शायद ज़्यादा पाप किया इसलिए मिट्टी लगा लगा कर खुद को धोएंगे। और मिट्टी का काफ़ी जो होता है महत्व है, आप इस मिट्टी को अगर अपने सर पर लगाते हो तो वो शैम्पू की तरह वर्क करता है। तो अगर ट्राई करना तो आप कर सकते हो। तो ये देखो चारों साइड का नज़ारा। तो अब चलते हैं। तो ये अपनी बाइक लगी हुई है, तो भाई वो निकल गए अगेन अपने ट्रैवल पर, और चलते हैं एक नई जगह। अलग अलग मोहल्ले में हम लोग एंटर हो रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ पर क्या नज़र आया। तो ये गंगा नदी के किनारे यानी कि मरीन ड्राइव है, वहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताओ। वीडियो बनाने में काफ़ी सारी मेहनत होती है, काफ़ी डेडिकेशन होता है, काफ़ी हार्ड वर्क होता है। तो आपका भी काम है कि आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करो, और दिल से सपोर्ट करो। तो देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है।
तो अभी मैं एंटर हो गया हूँ अगेन सिटी में जा रहा हूँ। अभी तो मैं गंगा नदी के किनारे था, तो अगेन मैं सिटी में जा रहा हूँ एक न्यू मोहल्ले पे, एक मोहल्ले को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखो लोग यहाँ पर भी, तो आज हर जगह आपको बंद दिखेगा, सड़क पे इतनी जो है सन्नाटा है और लोग काफी मतलब घूर रहे हैं कि कौन जा रहा है आखिर ये। तो ये जो ये भी एक मंडी है, सब्जी मंडी, और काफी ज्यादा मशहूर मंडी है ये। तो यहाँ पर भीड़ काफी, देखो अभी कुछ कुछ दुकानें खुली हुई है। ये कहाँ से आ गया, और ये देखो इनके साथ हो गई ट्रेजिडी। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो उनका शायद होली के दिन ही जाने का टाइम होगा, क्योंकि लाइफ प्रीडेस्टिन्ड होती है जहाँ तक कि मैं मानता हूँ, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। आप क्या कहते हो इस बारे में? तो गाइज ये है अपना पटना सिटी का गुरुद्वारा, पटना साहिब या फिर हरमंदिर गली। लास्ट ब्लॉग में भी आपको मैंने दिखाया था, तो क्योंकि हमारे लोकल में आता है, पास का घर के पास में बिल्कुल, तो मैं अक्सर यहाँ पर पहुँचा रहता हूँ। पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं हरमंदिर गली, हरमंदिर साहब, और हम काफ़ी लकी कि हम बिल्कुल गुरुद्वारे के पास में रहते हैं। और दूसरा जो है अपना गंगा, तो गंगा नदी में भी काफ़ी सारे लोग, पापी लोग जो होते हैं और पाप नहीं भी करते हैं, तो स्नान करने आते हैं और तरसते हैं। विदेशी लोग जो विदेश में रहते हैं कि काश हमारा घर भी गंगा नदी के किनारे होता, तो मेरा घर गंगा नदी के किनारे है, तो हम लोग काफ़ी लकी हैं इस मामले में। हर कोई का होता है शायद, ये लोग भी मानते हैं, जैसे वैष्णो देवी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ तो हमारे एरिया में भी है जो कि है बड़ी पटन देवी, लेकिन यहाँ पर बड़ी पटन देवी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा मतलब देख रेख नहीं करते हैं, इतना साफ सफाई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से आना जाना, पार्किंग के हिसाब से, रहने के हिसाब से, होटल वोटल दुकानें वकानें इतनी सजी हुई नहीं है जितना वैष्णो देवी का है। शिट, किसी ने रंग डाल दिया ऊपर से, काफ़ी सारा एक बाल्टी पानी रंग डाल दिया है, गुलाबी गुलाबी आप देख सकते हो पूरे बाइक पर है। तो मैं कह रहा था बड़ी पटन देवी के बारे में, तो यहाँ पर उतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं हुई है जितनी वैष्णो देवी की देख रेख करते हैं लोग, बट है तो एक ही चीज़, ये भी शक्तिपीठ है और वो भी शक्तिपीठ है। तो वैष्णो देवी के किनारे जिनका आस पास घर होगा तो वो लोग भी अपने आप को काफ़ी लकी मानते होंगे। वही नहीं, वैसे बनारस में भी है, वैसे ही महाकाल मंदिर में जहाँ पर अभी दुर्घटना हुई है वहाँ पर भी ये होगा, जो घर के आसपास रहते होंगे मंदिर के आसपास रहने वाले लोग, वो लोग काफ़ी अपने आप को लकी मानते होंगे। अभी श्री राम का मंदिर बना है अयोध्या में, जिनका घर आसपास होगा उनके लिए तो काफ़ी मतलब बिजनेस के रास्ते खुल गए हैं, दुकानों एक खुल गई हैं काफ़ी सारे वहाँ पर। तो भाइयों ये था नज़ारा, तो अब हम हो रहे हैं वापस रिटर्न अपने घर की ओर, क्योंकि सड़क पर कुछ खास नज़ारा नहीं है, लोग ज़्यादातर अपने घर में ही दुबके हुए हैं और सड़क पे सन्नाटा पसरा हुआ है देख सकते हो। और इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जहाँ जहाँ मैं आज गया हूँ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, लेकिन आज वाले दिन गाड़ियाँ तो दुखी नहीं रही हैं, इक्की दुक्की गाड़ियाँ जो एमरजेंसी में निकले होंगे या फिर हमारी तरह देखने निकले होंगे सड़क का नज़ारा, तो वो लोग हैं। एक दूसरे के फैमिली में ही लोग होली खेलने जाते हैं आसपास और उसमें, तो वो लोग हो गए, वरना ये दो सिक्कों की भी होली चल रही है इधर। तो रास्ता बंद करा हुआ था, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि सिख लोग किस तरह से होली खेलते हैं,
होली मिलन समारोह शायद उनका भी चल रहा था आगे, जहाँ पर मैंने अपनी बाइक पर यहाँ पर हमारे पास कलर डाला। तो ये पटना सिटी का लगभग सारा जो हिस्सा था मैंने एक्सप्लोर किया है इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताना, और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये है पटना सिटी के चौक का एरिया। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक बार एंटर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, तो आगे जाके मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से भी यू टर्न ले लिया जाए और सीधा घर की ओर जाया जाए। ये लगता है कोई अपना पहचान वाला है, और पहचान वाला नहीं होगा तो आई थिंक सब्सक्राइबर होगा। तो गाइस सारी दुकानें आप जो देख रहे हो दोनों साइड, सारी दुकानें हैं और सारी दुकानें आम दिन खुली रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है दुकानों में, लेकिन आज वाले दिन आप देख सकते हो नज़ारा, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ। थोड़ा सा एक अलग एक्साइटिंग मतलब फील हो रहा है कि मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ और इतना खाली खाली जो होता है वो रोड है। सो जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देखो दो गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं, तो जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी एक्साइटमेंट के साथ आप भी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो, और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया, लगभग साल भर हो गए चैनल मोनेटाइज होने में, काफ़ी अभी टाइम है, पता नहीं 4000 घंटा मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो जल्दी से ये 4000 घंटा पूरा करवा दो। और मैं और भी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, अभी तो मैंने कुछ दिखाया नहीं, बस बाहर का ही निकाल लिया, बट सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आप लोग का सपोर्ट। सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा का पूरा लगा कर काम करूँगा चैनल पर, तो अपना सपोर्ट बनाए रखो। सो गाइज यहाँ पर मैं करता हूँ अपने वीडियो को स्टॉप, मिलता हूँ आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।